तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी रहती है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, फोटोज़ वीडियोस, ये कहाँ जाती है? मतलब इसके अंदर क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर वो स्टोर हो जाता है? तो अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है तो इसका आज आंसर आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसे खोलने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज इसकी चीरफाड़ होने वाली है। आज हम टीयर डाउन करने वाले हैं इस हार्ड डिस्क की, देखेंगे इसमें क्या निकलेगा, मतलब कहाँ जाके हमारा डाटा स्टोर होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंश मलिक, स्वागत है आपका एनजीओ लिनवन चैनल में। बगैर किसी देरी के चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग डेस्क की तरफ और खोलते हैं इस हार्ड डिस्क को। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम आ चुका है अपनी हार्ड डिस्क को खोल के देखते हैं इसके अंदर आखिर क्या निकलता है, मतलब कहाँ जाके हमारा डाटा स्टोर होता है, इस बॉक्स के अंदर क्या निकलने वाला है। तो बगैर किसी देरी के इसे खोला जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। ओह सॉरी, सही टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसे जल्दी से इसका तिया पांच करने वाले हैं आज हम। तो चलो खोलता हूँ इसके स्क्रू। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसे खोलने से पहले अगर आप ऐसा कुछ अपनी हार्ड डिस्क के साथ ट्राई करेंगे तो गाइस वो ख़राब हो जाएगी, इस वजह से बिल्कुल भी ट्राई मत करना। आज वीडियो में ही देख लो इसमें क्या निकलने वाला है। तो थोड़ी स्किप कर देता हूँ, इसे जल्दी से स्क्रू खोल देता हूँ इसके सारे। तो दोस्तों हमारे स्क्रू खुल गए हैं, इस पर हमने तीन स्क्रू खोले थे और ये देखो दोस्तों, इस प्लेट को जैसे हमने खोला और खोलने के बाद इस प्लेट के आप पीछे का सीन देखो दोस्तों, मतलब कितने सारे इसमें कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। तीन यहाँ बड़ी बड़ी इसमें चिप लगी हुई है और छोटा छोटा, मतलब कितना माइक्रो काम हुआ हुआ है इसके अंदर। कि एक स्क्रू दोस्तों इसमें और होता है यहाँ पे पीछे की साइड में, दिखाऊँ थोड़ा पास आपको, स्क्रू यहाँ पे छुपा रहता है, बगैर इसे खोले नहीं खुलेगी। इसे भी हम खोल लेते हैं स्क्रू को, इनको सब कटाओ, आज जेरी रिग वाली फील आ रही है मुझे, सब खोल लेंगे आज पकड़े। तो दोस्तों चलिए इसको तो नहीं रहने देते हैं, अभी हटाते हैं, देखते हैं फर्स्ट लुक में क्या निकलता है हार्ड डिस्क के अंदर से। ओके, तो इस तरह से इसमें सीलिंग हुई हुई थी पूरी इसके अंदर, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ इसकी, आप सीलिंग हुई हुई थी इसके अंदर, रबर टाइप मटेरियल है कुछ। हटाते हैं इसको, खुल जा भाई, ये केसिंग है इसकी और कुछ नहीं है इसमें, केसिंग को रखते हैं साइड। और अभी जो आप देख रहे हैं, एक 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 चीज़ निकली है इसके अंदर से, ये क्या माजरा है भाई, फोकस कर ले भाई, ये पता नहीं क्या है, कुछ सॉफ्ट सा फोम सा है, चलो इसे रखते हैं साइड। और अब दोस्तों पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ, मतलब क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर। यहाँ सबसे ऊपर दोस्तों, ये फर्स्ट लुक में आपको ऐसा लग रहा होगा कि म्यूज़िक प्लेयर टाइप नहीं आता था ओल्ड, मतलब पुराने ज़माने में जिसमें म्यूज़िक चलते थे और इस तरह का एक उस पर लगा रहता था, तो उसी तरह से ये भी काम करती है। ये हमारी रीड एंड राइट के लिए काम करती है। ये जो आप CD एक देख रहे हैं, ये हमारी इसमें पूरी घूमती है, इसी वजह से हार्ड ड्राइव डिस्क जो इसका पूरा वैसे नाम है, जैसे अब हमारी आ रही है सॉलिड स्टेट जो SSD आ रही है, उसमें ये प्रोसेस नहीं होता जो घूमने वाला होता है, इस वजह से उसमें साउंड भी नहीं होता, थोड़े कॉम्पैक्ट भी रहती है इससे। तो अभी हम इसको भी बाहर निकालने वाले हैं, देखते हैं ये आखिर CD मतलब कैसी, और काफ़ी शाइनी मटेरियल यहाँ पर मुझे लग रहा है, तो चलिए इसको भी बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं, फिर इसको खोलते हैं। यहाँ पर तीन स्क्रू यहाँ हैं और एक स्क्रू यहाँ दिख रहा है, तो चलिए इसे भी खोल देता हूँ। दोस्तों आप इसका स्क्रू ड्राइवर की हालत देखो हमारे आगे से, मतलब पूरा ये घिस चुका है एक तरह से, इतना ज़्यादा टाइट था ये स्क्रू, खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन फाइनली खोल दिया, अभी थोड़ा सा रह रहा है, ये लास्ट स्क्रू था यहाँ पे जहाँ तक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपने कभी इस तरह हार्ड डिस्क खुलती हुई देखी है क्या। ओके, पहले इसको निकाल देते हैं, ये स्क्रू पे स्क्रू ढूंढ रहे हैं खुलेगी कैसे, लेकिन यहाँ दोस्तों ये एक मैग्नेट से लगा हुआ था और काफ़ी, मतलब इसकी जो पावर थी मैग्नेट की काफ़ी ज़्यादा इसमें लगी हुई थी और ये मैग्नेट से रुकी हुई थी ये चीज़ इसको। तो दोस्तों अभी मैं इस पर भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था इसे कैसे निकालूँ कैसे निकालूँ, तो ये हमारी ऐसे करके आराम से बाहर आ गई, हम इसे खींचा तानी पर लगे पड़े थे। तो ये पहले भी इसी पे इसको ही देख लेते हैं दोस्तों, ये जो आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, पहले तो आप इसकी शाइनिंग देखो, मतलब कितना ज़्यादा शाइनिंग ये मटेरियल है, पता नहीं क्या मटेरियल है जो भी है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें शाइन देखने के लिए मिल रही है अभी यहाँ पर आपको, जहाँ तक है मिरर की तरह लग रहा होगा बिल्कुल। और मतलब थोड़ा लाइट वेट ये हैवी भी नहीं है, और आपका जितना भी डाटा रहता है वो सारा इसके अंदर जाके स्टोर होता है, वो जो ये रीड एंड राइट के लिए है वो इसमें रीड करती है, इस पर राइट करती है, तो इस चीज़ के अंदर जाके हमारा डाटा स्टोर होता है। आपको दिख रहा है क्या कुछ हैं, दिख रहा है कुछ फोटो वीडियो? तो ऐसे आप कुछ नहीं देख सकते इसमें, और मतलब काफ़ी सोचने वाली बात है हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ऐसी चीज़ के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो गैस बाकी इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ही रहता है रीड एंड राइट के लिए रहता है, और यहाँ पर एक मैंने आपको PCB टाइप थी वो चीज़ थी, और बाकी हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं रहता,
ये होती है इसकी मेन चीज़। तो आई होप आपको आज की हमारी अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या टीयर डाउन आज का आपको पसंद आया होगा। और आज मुझे फील भी थोड़ी ऐसी आ रही थी जैसे एक हमारे यूट्यूब पे चैनल है जेरी रिग, वो क्या करते हैं वो ज़्यादातर सारी चीज़ें खोल देते हैं, तो आज हमने भी सोचा कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन मज़ा आया कुछ नया ट्राई करके, आप कमेंट करके बताना, मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी मतलब करता रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। और दोस्तों ये चीज़ आप अपनी हार्ड डिस्क के साथ बिल्कुल भी ट्राई मत करना, नहीं तो खुलते ही ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक ये चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रीन आप देखो मेरे फ़ोन की, पहले बताओ मुझे कैसी लग रही है कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की कुछ स्किन्स वगैरह चाहिए अपने फ़ोन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने गैजेट फॉर यू, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्किन्स है मोबाइल की। और मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विदा और मिलते हैं जल्दी।